नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान के मीडिया ने विराट कोहली के आईपीएल 2024 में केकेआर के खिलाफ 83 रन्स बनाने पर क्या रिएक्ट दिया। आरसीबी वर्सेस केकेआर के ये मैच दिखाया कि क्रिकेट में कैसे रौनक आती है। पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं बच पाई कोहली के जादू से। तो दोस्तों देखते रहिए कैसे हर पल क्रिकेट का जुनून बढ़ता रहता है। क्या आप तैयार है क्रिकेट की दुनिया में खो जाने के लिए? रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिकेट का मजा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना करें। क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली ने बजा के रख दिया कोलकाता को, केकेआर को, मिचेल स्टार्क। बेटा तू 25 करोड़ में ना होगा, तू 25 करोड़ में बिका होगा, लेकिन कोहली के सामने तेरी ठोक दी जाती है, कोहली के सामने तेरा घंटा बजा दिया जाता है। आज विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क को बजा के रख दिया है 83 की इनिंग्स। फिर विराट कोहली खेल के गया है, विराट द रन मशीन कोहली। पुत्र आओ ना मेरे पास, वो घंटे के बच्चे जो कह रहे विराट कोहली जी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है, जगह नहीं बनती थोड़ी, पुत्र बचा के रख दिया विराट कोहली ने। आज कौन इतना कंसिस्टेंट है T20 में? अब पहला मैच देख लो जो ये पंजाब से जीते थे, तब भी ऊपर से किसी ने कुछ नहीं था किया, अकेला विराट कोहली चल खड़ा रहा है और ऋषि डीके ने आगे मैच फिनिश किया था। आज देख लो, आज भी विराट कोहली अकेला खड़ा रहा है, 83 रन वो करके गया है और उसने मिचेल स्टार्क को जो छक्का मारा ना बेटा हरी ओवर में, जो उसकी फ्लिक थी ना बेटा 600 आ गया, बजा के रख दिया है। छनकने के साथ साथ क्या वो मिचेल स्टार्क का विराट कोहली ने बाजा भी बजा दिया है, छनकने के साथ साथ बाजा बजा दिया मिचेल स्टार का। बेटा मिचेल स्टार का तू अपने घर में 25 करोड़ का होगा, तुझे 25 करोड़ में लिया होगा, लेकिन बेटा तुझे बजा के रख दिया आज विराट कोहली ने। विराट कोहली ने पुत्र बता दिया कि वो क्रिकेट का किंग है। जो कोई नहीं कर सकता वो आरसीबी आपको करके दिखाएगी, जो कोई नहीं कर सकता। ये इस टीम का यही हाल है। बंदा पूछे आईपीएल के अंदर आप भी अभी तक कोई टीम अपने घर के अंदर हारी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम आरसीबी है, हम ये करके दिखाएंगे, हम अनहोनी को होनी करेंगे, होनी को अनहोनी करेंगे। वो इन्होंने करके दिखाया अपने घर के अंदर मैच हार गए और केकेआर ने क्या धोता लगाया। आपने कल सही बात की थी केकेआर जीतेगी, केकेआर ने मैंने आज भी प्रेडिक्शन की कि केकेआर चैंपियन टीम है। केकेआर शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, अडैप्ट मारे यार, मतलब के कोई कम टारगेट नहीं होता यार, 180 सही है, टारगेट होता है 182 का टारगेट, कोई कम टारगेट नहीं होता, ज्यादा टारगेट होता है। उन्होंने कितने आराम से कंफर्टेबली चेस की है, इससे पता चलता है केकेआर कितनी खतरनाक इस टूर्नामेंट के अंदर टीम है और आगे जाके क्या क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक टीम है। इसी के साथ अगर बात करें तो आरसीबी ने कहां गलती कर दी, क्या रन्स कम कर दिए? डेफिनेटली रन्स कम हुए हैं, जहां पे अगर आपके 10 से 11 12 ओवर के दरमियान में आपका 100 से 110 के दरमियान में स्कोर था, वहां पे आप 182 पे कैसे रुक गए? मैं देख रहा था मैच, मैं देख रहा हूँ 15वें ओवर से लेके 18वें ओवर तक 24 बॉलों के ऊपर सिर्फ 29 रन आए आरसीबी की तरफ से। ये टर्निंग पॉइंट, ये वो पॉइंट था इस वजह से मैच आखिरी ओवर में तो फिर उन्होंने 17 मार दिया था, लेकिन वो जो पॉइंट था ना वो बड़ा समझता था, वो आप कह सकते हैं मैच टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर आके मेरी नजर के अंदर आरसीबी यहाँ पे स्लो हो गया जहां पे तेज खेलना चाहिए था। विराट कोहली ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, 83 किया, बॉल्स ली 59, विराट कोहली भी 10-15 रन और कर सकते थे, लेकिन सवाल ये आता है कि बाकी जो लड़के थे ना, आज मैक्सवेल जो था खेला थोड़ा और रन करने चाहिए थे, डेओ के लिए और ये जीतना चाहिए था, बिल्कुल जीतना चाहिए था, घर में मैच हो रहा है। केकेआर पहले दो मैचेस अपने जीत गया, स्ट्रॉन्ग टीम बन गया, चेन्नई के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है, केकेआर तो पकड़ी नहीं जा रही। केकेआर का फायदा सबसे बड़ा ये है कि केकेआर के जो लोकल प्लेयर्स है ना वो सारे के सारे खतरनाक है, जिससे श्रिया सैयर, रिंकू सिंह, रमनदीप जो इनको मिल गया वो भी अच्छा खिलाड़ी है, नीतीश राणा इनके पास है, राणा बॉलर इनके पास है, सुहास शर्मा एक लड़का शानदार किस्म का बॉलर है वो इनके पास है, इनका बॉलर बड़ा अच्छा है। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, कौन कौन भाई इस बात से एग्री करता है कि वो एक ऐसी चिरकुट टीम में है, पता नहीं उसने क्यों ये कसम खा रखी है। भाई विराट कोहली के अंदर इतना दम है यार कि अगर वो डिसाइड करे ना, आईपीएल में खुद की टीम खरीद के खुद की अलग टीम बना सकता है भाई वो बंदा, और उसमें कुछ अच्छे प्लेयर भर सकता है। एक तो ये पता नहीं कौन सी सौगंध खा ली है भाई ने कि मैं आरसीबी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तुम्हारे फैंस मजबूर हो गए हैं यार,
विराट कोहली के अलावा इस टीम में है क्या सपोर्ट करने को? बोबट क्या सपोर्ट करें यार इस टीम में भैया? अब बॉलिंग नहीं हो रही इनसे, फील्डिंग नहीं हो रही, हाथों में कैच छोड़ रहे हैं, चौके इनसे नहीं रुक रहे, सुनील नारायण इनसे नहीं रुक रहा, कोई प्लान इनके पास है नहीं है। गौतम गंभीर एक एक बॉल पे प्लान लेके आ रहा है, वो फुटबॉलर का कोच बना हुआ है। ये वाले दिख नहीं रहे हैं, वैसे काले चश्मे लगा के धूप में खड़े हो जाते हैं, कई बार रात को आ जाते हैं काले चश्मे लगा के। यार इंटरव्यू को आए थे कुछ आरसीबी वाले, हाँ भाई तू तो कह रहा था आरसीबी की बॉलिंग खराब ही, अरे खराब ही है। वो पंजाब के सामने तुमको लग रहा है कि वो यश दयाल वसीम अकरम बन गया है? फिर कहता कि जो हो मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, आज देख लो क्या कर दिया भाई ने। विराट कोहली चाहे ओपनिंग करते हुए 200 रन बना दे, दोहरा सैकड़ा बना दे चाहे, मैं तब भी विराट कोहली की ओपनिंग से कन्विंस नहीं हूं भाई। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। मुझे सिर्फ आईपीएल नहीं देखना, मुझे इंडियन टीम भी देखनी है। पहली बात तो उस इंसान को 6 ओवर में अच्छी बैटिंग करने के बाद उसको फिर डीप लेके जाना पड़ रहा है। देखो कम से कम विराट कोहली 20 से 22 रन शॉर्ट है भाई, क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? नया नहीं हुआ तुम्हें ना पहचाना, मिड इनिंग्स में क्या दिया था, तू है दीवाना। अब सारे का सारा ब्लेम विराट कोहली पे डालना ये भी बेवकूफी वाली बात है। लेकिन ये कोई मेहरबानी कर दी आपकी टीम ने, कोई इज्जत रख ली 19 बॉलों पहले, खत्म हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी दबाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।